ओके गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड इन दिस वीडियो मैं अपना डेली रूटीन शो करने वाली हूँ। तो सबसे पहले अब सुबह हो चुकी है और फ्रेश फ्लावर्स भी खिल चुके हैं। एंड मुझे सबसे पहले जो फ्रेश होने से भी पहले, मुँह वगैरह धोने से पहले मैं सबसे पहले झाड़ू देती हूँ। तो मैं क्लीन कर लूँगी सारे रूम्स वगैरह जो हैं। जो ये आंगन दिख रहा है, ये आंगन को पूरा क्लीन करूँगी एंड रूम्स है उनको। उसके बाद मुझे थोड़े से बर्तन जो है वो धोने हैं एंड आफ्टर दैट मैं फ्रेश होने जाऊँगी। तो अब मैंने ब्रश कर लिया है, मैंने बाल झाड़ने हैं मुझे, तो मैं बाल झाड़ लूँगी। मैं सबसे पहले चोटी बना लूँगी एंड बाल झाड़ने के बाद मूड हो लिया है तो इसके बाद मुझे चाय पीने जाना होगा, तो इसलिए मैं फटाफट झाड़ लेती हूँ बाल। और एक मॉइस्चराइज़र है तो मैं वो भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। तो हम पीते हैं चाय। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कटोरी में क्यों पी रही हूँ, तो यहाँ गाँव में आने के बाद मुझे कटोरी में पीना बहुत अच्छा लगने लगा है और इसके वजह से मैं कटोरी में पीती हूँ। लेकिन मेरा भाई बोलता है कि वो शहर का लड़का है, इसलिए शारिक अभी भी अपने जो चाय है वो कप में पीता है। लेकिन मैं और मेरी बहन, हम लोग बिल्कुल गाँव वाले बन चुके हैं, इसलिए हम दोनों कटोरी में ही चाय पीते हैं। और वो कितनी अच्छी ड्राॅइंग्स बना रही है, मुझे वो आइसक्रीम बहुत पसंद आया, तो ये भी कटोरी में ही चाय पी रही है, उसकी चाय ठंडी होने वाली है तो इसलिए मैंने इसे पीने को कह दिया। वैसे भी हमें कटोरी बहुत पसंद है। अब चलो, जो क्या बोलते हैं उसको, चौकी बोलते हैं आई थिंक, जो इस पर है ना मेरी नोटबुक्स रख दी, मेरे नोट्स भी इसके से मैं इसी पर रख दिया, तो मैं फटाफट इसको अपने रूम में रख लेती हूँ। मेरे रूम में मतलब मेरा जो टेबल है, स्टडी टेबल, इसमें काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो रखी है, तो सबसे पहले मैं इसे क्लीन कर लूँगी। जितने भी धूल वगैरह हैं बहुत ज़्यादा आ गया है, तो उसको क्लीन करेंगे। और जो फालतू की चीज़ें जो मेरी यहाँ पर रहती भी नहीं है, उसको मैं हटा लूँगी। सब मेरे रूम को ख़राब कर देता है, मेरे टेबल को मतलब। सबसे पहले सुबह सुबह मुझे करना ही पड़ता है रोज़ रोज़। और ये कार्ड देख रहे थे, तो एक कार्ड मेरी दोस्त का है, मैंने उसके लिए मैं एक पेंटिंग मतलब बना रही हूँ, ड्राइंग बना रही हूँ। तो पाउच वगैरह को मैंने अपनी सही जगह पे रख दिया है। अब मुझे जो छोटे छोटे बॉक्स जो पड़ा हुआ है, इसमें ज्वेलरी रखा हुआ है, तो इन सबको भी मैं हटा देती हूँ। और क्लीन करने के बाद ये जो पंचिंग वाला जो है, इसको भी साइड ऊपर में रखूँगी नोटबुक के ऊपर। और यहाँ पे भी सही से नहीं कर रखा हुआ है, तो ये ज्वेलरी वाला बॉक्स है पिंक कलर का, और ये पंचिंग वाला बॉक्स, मतलब पंचिंग क्या बोलते हैं इसको, पंचर बोलते हैं। ये न्यू नेल पॉलिश है जो कि मैंने लिया है, पर मुझे पता है कि अभी लगाने नहीं चाहिए, मैं निकाल रही हूँ इसे, क्योंकि रमज़ान में नेल पॉलिश कभी भी नेल पॉलिश तो अलाउड है ही नहीं, तो इसलिए मैं हमेशा मतलब रिमूवर जो रहता है नेल पेंट रिमूवर, उसे निकाल लेती हूँ। और इसके बाद ये मेरे नोट्स हैं, और मैंने यही जो बुक है बायोलॉजी की, वो मैंने लिख ली है। कल ही मैं गई थी मार्केट, तो वो वाला मैंने एक शॉपिंग वीडियो भी बना रही हूँ, तो उसमें मैं दिखाऊंगी मैंने क्या क्या खरीदा था। तो ये नोट्स हैं जैसे कि देख रहे हैं। अब सबसे पहले जो हम काम करने वाले हैं वो है, हम लोग जा रहे हैं अब टू डू लिस्ट बनाने। पर फिर भी मैंने सुबह से पानी नहीं पिया एक गिलास, तो मैं वही पी ली। अब पीने के बाद चलो अब चलते हैं टू डू लिस्ट लिखने। तो सबसे पहले मेरे पास आज ज़्यादा काम तो है नहीं, क्योंकि मेरे स्कूल मेरे एग्ज़ाम्स हो गए हैं और रिज़ल्ट भी आ चुका है, तो इसके बाद मुझे ज़्यादा कुछ करना है नहीं। पर मैं थोड़े बहुत स्टडीज़ करूँगी और जो कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क है वो करूँगी। लेकिन मेरे ख्याल से किसी भी लोगों को वो इम्पोर्टेंट लगेगा नहीं, पर फिर भी चलो लेट्स राइट द डेट फर्स्ट। सबसे पहले डेट एंड उसके बाद टू डू लिस्ट डालूँगी, एंड जो सबसे पहला वर्क होगा उसे लिखूंगी। तो ये रहे मेरे जो चार वर्क है जो मुझे करना है, चलो स्टार्ट करते हैं। और शायद अब मुझे ये डायरी रख लेनी चाहिए, मतलब टेबल पर रख देनी चाहिए, और जो भी वर्क है मैं वो करना स्टार्ट कर दूंगी। सो गाइस, अब मैं दिखाने जा रही हूँ कि मैंने अभी क्या मैं कुछ खरीद के लाई हूँ, तो वही मैं दिखाने जा रही हूँ। आप देख रहे हो ये कौन सी बुक है, तो ये वही बुक है बायोलॉजी की है जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था। तो इस पे कवर लग चुका है, वो कवर मैं अभी मार्केट जस्ट गई थी और मैंने ख़रीदा है। और अभी तक मैंने कोई भी टू डू लिस्ट कंप्लीट नहीं किया है, बस एक को छोड़कर, वो है इंस्टाग्राम वाला पोस्ट जो था वो मैंने बस कर दिए थे, उसको छोड़कर मैंने अभी तक कोई सा नहीं किया, क्योंकि उससे पहले मुझे और कोई काम करना था, इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। और फिर अभी मैं जस्ट मार्केट गई और ये वाला मैंने कवर ख़रीद के लाई। मैं जो ट्रांसपेरेंट वाला होता है वो मैं लाने गई थी, पर वो मिला नहीं, तो मैंने सोचा यही वाला ले लेते हैं, क्योंकि मुझे ये मतलब बायोलॉजी की जो बुक है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं नहीं चाहती कि ख़राब हो जाए। तो मैंने कवर अपना वाला थोड़ा सा मैं सही से नहीं लगा पाई, क्योंकि मैं सबसे पहले इसी में लगा रही थी, जिसकी वजह से मुझसे सही से लग नहीं पाया। लेकिन मेरे भाई बहन की जो बुक थी उसमें मैंने सही से लगाया है। और
मैंने लगभग ठीक सा ही लगा दिया। और ये वाली जो जो मिला है मुझे पैकेट, इसमें काफ़ी सारे नोटबुक्स हम लोग कवर कर सकते हैं, इट मीन्स 7, 5, 6, 7 कर सकते हैं। ये वाले मैंने अपने भाई वाली करी है जिसमें मैंने गलती से अपना ही नाम लिख दिया, मुझे वाइटनर से इसे इरेज करना होगा। अब सबसे पहले अब क्लीन कर लेते हैं अपना टेबल, और इस पर हम लोग अब जा रहे हैं अपना जो फर्स्ट वाला जो हमारा टू-डू लिस्ट था उसको अंजाम देने जाते हैं। और इस टाइम काफ़ी ज़्यादा हवा, मतलब लू चल रहा है जिसको बोलते हैं, गर्मियों का मौसम है तो काफ़ी ज़्यादा गर्म जो हवाएं रहती हैं वो सब चलती रहती हैं। तो मैं गेट बंद कर लेती हूँ और अब सबसे पहले मैं नोट्स बनाऊँगी, क्योंकि मैं वीडियोज़ देख रही हूँ और उसी से मैं पढ़ रही हूँ, तो इसकी वजह से मैं उसे देख कर अपने नोट्स कम्प्लीट करूँगी। और ये भी है कि कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं मैं उसे अंडरलाइन वगैरह कर लेती हूँ इन NCERT, एंड थोड़ी देर मैं यही अभी वॉच करूँगी, क्योंकि मैंने लिखा भी था जो फर्स्ट वर्क था हमारा टू-डू लिस्ट में वो था स्टडी करना लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का, तो वही मैं कर रही थी। तो यही NCERT में मैं अपना देख लूँगी कौन सा ये अंडरलाइन कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म पढ़ाया जा रहा है तो मैं वही वाला भी पढ़ रही हूँ, और मेटाबॉलिज्म के बाद हम लोग जंप करेंगे सेकेंड पेज पर अभी ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। मुझे मतलब स्टडी में लगभग स्पेंड करने हैं 1 आवर एटलीस्ट, क्योंकि मैं ये सेल्फ स्टडी तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि टीचर इसमें पढ़ा रही है, तो ये सेल्फ स्टडी नहीं हुआ, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ समथिंग व्हेन यू आर जस्ट डूइंग योर स्टडीज़ एट विद योर सेल्फ, जो अकेले कर रहे हो विदाउट एनी टीचर, देन दैट वुड बी कंसिडर्ड एज सेल्फ स्टडी। गाइस अगर मैं एक फ़नी सी बात बताऊँ तो ये है कि जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है वो 1 मार्च, मतलब 1 मार्च से मैंने स्टार्ट किया है और वो मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, एंड टुडे इट इज़ आई थिंक 7 अप्रैल, तो जैसा लग रहा है कि 1 महीने में मेरा 1 चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और इसका रीज़न यही है कि मैं मतलब कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं किसी दिन पढ़ती हूँ किसी दिन नहीं पढ़ती, और ये भी है कि मैंने बुक भी बहुत दिनों से नहीं लिया था, तो PDF में पढ़ना काफ़ी डिस्ट्रैक्टिव हो जाता है, एंड व्हेन यू हैव यूट्यूब चैनल्स इंस्टाग्राम अकाउंट्स, तो कहीं ना कहीं पे यू विल गेट एनी मैसेज एंड यू विल जस्ट मूव ऑन टू दैट एंड स्क्रोल इट डाउन, सो इट इज़ रियली हार्ड टू स्टडी इन द फॉर्म ऑफ PDF, और जबकि आप बुक से पढ़ रहे हो तो देन यू आर जस्ट स्टडिंग दिस बुक, यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। और अगर फ़ोन से भी पढ़ रहे हैं तो फ़ोन थोड़ा डिस्टेंस पर रखा होता है, इट मीन्स कि एकदम आँखें के पास ला के नहीं देख रहे, और वैसे भी मुझे फ़ोन में पढ़ना पसंद नहीं। वीडियो लेक्चर्स की बात नहीं कर रही, मैं PDF ये सब की बात कर रही हूँ, क्योंकि इससे आई स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, आँख मतलब दुखने लगती है, और PDF अगर पढ़ रहे हैं तो हमें पास में लाना ही पड़ेगा फ़ोन, जिसकी वजह से वो होता है आई मतलब आई पे काफ़ी स्ट्रेन पड़ता है। तो इसकी वजह से मैं कहती हूँ कि अगर वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं तो दूर से देख के पढ़ सकते हैं, पर हाँ ये जैसे कि है भाई मिडिल क्लास वालों को PDF से ही पढ़ना होता है कभी कभी, मतलब ज़रूरत के टाइम, क्योंकि इट इज़ रियली नॉट पॉसिबल टू हैव अ बुक मतलब ऑल द टाइम, तो ये भी एक रीज़न है। पर स्टिल मुझे नहीं पसंद है पर्सनली, मैं नहीं पढ़ पाती PDF में। ये वीडियो लेक्चर्स मैं मतलब किसी को लग रहा होगा कि मैं ये वीडियो लेक्चर्स बहुत दिनों से देख रही हूँ, पर नहीं, मैं अभी ट्राई कर रही हूँ, इट मीन्स मैं बस 11th क्लास में एंटर्ड हुई हूँ, इट मीन्स मतलब थोड़े दिन पहले रिजल्ट आ गया था BSEB का, बिहार बोर्ड रिजल्ट आ गया था, तो मैंने अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं, तो मुझे अच्छे टीचर्स ढूंढने हैं। जो मुझे फिजिक्स वाला भी काफ़ी अच्छा लगा, बट मैं अभी सच में ढूंढ ही रही हूँ, अगर मुझे ये भी अच्छा लगता है कोमल यादव का वीडियो लेक्चर्स अच्छा लगता है तो मैं इसी पे अपना मतलब बायोलॉजी कंप्लीट करूँगी, तो इट इज़ लाइक समथिंग लाइक मैं फाइंड कर रही हूँ कि कौन एक्सप्लोर कर रही हूँ, यू कैन से दैट कि एक्सप्लोर कर रही हूँ, एंड मुझे जो अच्छा लगेगा जो अच्छा पढ़ाएगा एंड मैं उसी पे स्टिक करूँगी। तो अभी मैं सबके यही रीज़न है कि इतने दिन लग रहे हैं, 1 महीना मतलब हो गया सिर्फ 1 चैप्टर कंप्लीट करने में, क्योंकि मैं चैप्टर कंप्लीट नहीं कर रही थी, मैं टीचर्स ढूंढ रही थी कि कौन अच्छा पढ़ाता है। तो इसके बाद मैंने ये ढूंढा कि लिविंग वर्ल्ड में ये ठीक मतलब अच्छा पढ़ा रही है, और एक और चैप्टर मतलब फिजिक्स वाला पे भी मैंने देखा, पर फर्स्ट मैं नोट्स बना लेती हूँ क्योंकि मैंने बहुत दिनों से नहीं बनाया और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, अराउंड 15 to 20 days हो गए हैं नोट्स बनाए हुए, और मैं ये स्पायरल वाले नोटबुक में बना रही हूँ।
लाइक मुझे पता है कि मेरे पास शीट्स भी हैं और शीट्स में मैंने बना भी रखे हैं वो जो रेड वाली फाइल है उसमें, पर मुझे लगा कि अगर मैं नोटबुक में बनाऊंगी, प्रॉपर नोटबुक में बनाऊंगी तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए, कि मैं उसे ज़्यादा दिन तक संभाल के रखूँगी, और अगर शीट्स में बनाऊंगी तो मुझसे वो कहीं ना कहीं खो ही जाएंगे, ये वाली एक प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा कि मैं अभी बायोलॉजी का जो है वो वाला मैं स्पाइरल नोटबुक में कर लेती हूँ और बाकी सब मैं शीट्स में कर लूँगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एक पूरा पैकेट ही मंगवा लिया शीट्स का, तो वेस्ट तो नहीं होने देंगे ना। पहले वाले जो नोट्स थे वो मैंने एक और टीचर थी, वो उनका नाम रितु रत्तेवाल था, तो उनके लेक्चर्स देख के बनाए थे, और हाफ़ ऑफ द नोट्स मैं इनके लेक्चर्स देख के बना रही हूँ, क्योंकि इसमें कुछ कुछ एनसीईआरटी की लाइंस भी बताई हैं इन्होंने, इसलिए मुझे लगा ठीक है इट्स ओके, एंड शी इज़ ऑल्सो अ गुड टीचर एज वेल, तो मुझे लगा चलो देखते हैं इनका पूरा लेक्चर, मुझे देखने का मन किया। बट एक और टीचर है मेरी फेवरेट, एंड शी इज़ गरिमा गोयल, तो वो काफ़ी फनी मतलब टाइप अंदाज में पढ़ाती हैं, जिससे काफ़ी अच्छा लगता है। पहला वीडियो लेक्चर मैंने देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनका, इसलिए मैंने कई सारे देखे, बट वो कहीं ना कहीं मुझे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से मैं फिर एक्सप्लोर करने लगी, अलग अलग यूट्यूब चैनल देखने लगी, फिर यूट्यूब पर ही मैंने एक सोचा चलो ये भी देख ही लेते हैं, मैंने इनके एक भी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैंने सोचा इनके भी देखते हैं, इसलिए मैंने अभी बिल्कुल जस्ट आज ही मैंने देखना स्टार्ट किया है, तो मुझे लगा ठीक है ये कुछ अच्छे बता रही हैं। अब मैंने स्टडीज़ कर ली हैं, रमज़ान का टाइम है, मुझे मेरी मम्मी की हेल्प करनी है। सो गाइस आप सब देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रात हो चुका है, और लग रहा है कि 11 बजे हैं पर नहीं, अभी 7 ही बजे हैं। गांव के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है, मुझे पता है कि सिटीज़ में तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दिल्ली में हम लोग इस टाइम बस टीवी देखते तो हमें लगता था सिर्फ 7 बजे हैं, तो ये काफ़ी कम टाइम माना जाता है सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में, पर रूरल एरियाज़ में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है। खैर बाहर मैं बैठ के आंगन में ही मतलब वीडियो शूट कर रही हूँ, इसकी वजह से थोड़ा डार्क लग रहा होगा, क्योंकि रूम्स में काफ़ी गर्मी हो रखी है अभी। और टू डू लिस्ट पे आते हैं हम लोग अपने, तो 4 टू डू लिस्ट थे जिसमें से मैंने सिर्फ 2 ही कर पाई हूँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया था ताकि मैं 4 कर पाऊँ, बट किसी वजह से नहीं हो पाए, तो खैर मैं फ्यूचर में ज़रूर करना चाहूँगी आने वाले टाइम में। तो जो 2 कर हैं वो मैंने कंप्लीट तो कर ही लिए हैं, और 2 तो काफ़ी इजी ही थे, मतलब स्टडीज़ करना और इंस्टाग्राम वाले पोस्ट करना तो काफ़ी इजी ही था, और ये कंप्लीट हो चुका है, तो अब यही था मेरा फुल वीडियो में मतलब। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अगर आपको स्टेशनरी शॉपिंग पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।